हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। गाइज, आपने लास्ट वीडियो में देखा अपन ने ओला एक्सपीरियंस सेंटर को विजिट किया, वहाँ पे मैंने आपको पूरा एक्सपीरियंस सेंटर विजिट कराया था, आपको बताया था एक्सपीरियंस सेंटर में क्या क्या चीज़ें होती है। लेकिन मैंने साथ में कहा था कि अपन ओला के सर्विस सेंटर के अंदर भी चलेंगे, सर्विस सेंटर में बात करेंगे। तो ये देख सकते हो, ये इनका सर्विस सेंटर है जहाँ पर ऑनर भी अलाउड नहीं होते हैं, सिर्फ गाड़ी खड़ी है और गाड़ी पर सर्विस चल रही है। तो ये है, क्योंकि यहाँ पर सर्विस टेक्नीशियन कह सकते हैं जो कि यहाँ पर सर्विस करते हैं। जैसे अभी हमारी गाड़ी ही खड़ी है, मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही थी अंदर की साइड में, तो वो खुलवाई है। अभी देख सकते हो आप, यहाँ से ओपन कर रहे हैं। अभी आपको इनसाइड दिखाता हूँ। अभी यहाँ पे देखो, ये इनका इस तरीके से स्टैचेस होता है, ये खुलने के बाद किस तरीके से दिखती है वो आप यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। अभी इनसे पूछेंगे कि इसमें सर्विस में क्या क्या करवाना है, क्योंकि देखो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि यार सर्विस सर सर्विस करवानी है हमारे को, ओला की सर्विस में क्या क्या चीज़ें होती है, कितने किलोमीटर पर सर्विस करवानी चाहिए और सर्विस करवानी भी चाहिए या नहीं करवानी चाहिए। तो वो इनके जो सर्विस टेक्नीशियंस हैं, इन्हीं से बात करके यहीं से हम एग्जैक्टली जो भी होता है वो इन्हीं से पूछते हैं कि सर्विस की रिक्वायरमेंट पड़ती भी है या नहीं। क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है, ओला की या फिर कोई सी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल है, सर्विस की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। तो सर, आपका काम कितनी देर में हो जाएगा? 1500-20 मिनट। वीडियो में आगे बढ़ते हैं, उससे पहले ये देखो, ये है एक होम चार्जिंग सेटअप जो आपके चार्जर को चोरों से सेफ रखता है। गाड़ी चार्ज होने के बाद चार्जर को कहाँ रखा जाए उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। इसमें दिया हुआ है बड़ा वेंटिलेशन जो आपके चार्जर को हीट भी नहीं होने देगा। इसे खरीद सकते हो आप अमेजोन से, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, या फिर दिए हुए नंबर से। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक और गाड़ी खड़ी है जो शायद तक उसके लिए आई है इंश्योरेंस क्लेम के लिए। ये देखो, यहाँ से पूरी टूट चुकी है। इसका बैटरी पैक दिखा दूंगा आपको, थोड़ा सा नीचे की साइड हो, देखो ये लगा हुआ होता है यहाँ पे बैटरी पैक। तो यहाँ पे जो है ना, ये अंदर की साइड आपको दिख रही होगी प्लेट्स दिख रही है, तो ये प्लेट्स होती है इसकी बैटरी पैक, जो कि आपको पता है फ्लैट डैशबोर्ड पे, जैसे S1 एयर के अंदर फ्लैट डैशबोर्ड पे आएगा, इसमें जो हम डैशबोर्ड है इसके अंदर आती है इसकी बैटरी पैक। तो यहाँ पे गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, तो एक्सीडेंट में आप इसका पहले भी इंश्योरेंस क्लेम उठा हुआ है, जैसे यहाँ पे आपको दिखा दूँ कैसे पता चलता है। ये S1 प्रो है, अभी यहाँ पे इन्होंने प्रो अलग से लिखवाया। आगे की साइड आओ, एक बार आप आगे की साइड देखोगे ना, तो जब भी चेंज होता है ना, तो ओला की जो ब्रांडिंग है ना, ओला के स्टिकर्स वो उस टाइम पे नहीं आते हैं, ओला के स्टिकर्स आपको अलग से लेके फिर लगवाने पड़ते हैं। इन्होंने क्या किया, ये किसी रेडियम वाले के पास गए, वहाँ से जाके इन्होंने ओला का स्टिकर लगवाया, जबकि ओला का जो ओरिजिनल स्टिकर है वो ये होता है, जो फॉन्ट है वो सब कुछ ये होता है, इन्होंने एक्सटर्नल लगवाया है। वहीं साथ में इन्होंने एसेसरीज भी लगवा रखी है, हालांकि एसेसरीज का लुक इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं आता है। अगर आप गाड़ी पे एसेसरीज लगवाते हो ना, तो थोड़ा सा अजीब हो जाता है। तब देखो, यहाँ पे सर्विस हो रही है, अभी जब पूछते हैं इन्होंने खोला है तो ये क्या क्या चीज़ें चेक कर रहा है। तो भैया ये क्या है, पहले ये है अपना मास्टर सिलेंडर, ब्रेक का, ब्रेक का, तो इसमें क्या ऑयल, ये ब्रेक का ऑयल है, इसको अपन ने अभी चेक करा। हाँ। अपन ऐसे इसको बाहर से भी चेक कर सकते हैं। अच्छा, लेकिन अपन ने इसको खोल के इसलिए दिखाया था कि क्लियर दिख सके ये। ओके ओके, तो ये कितने टाइम में चेक करना होता है? ये वैसे अगर अपन 7000-8000 के आसपास चेक कराओ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि तब तक क्वांटिटी इसकी डाउन हो जाती है। तो कितने टाइम बाद सर्विस करवानी चाहिए, कितने किलोमीटर ट्रैवल करें उसके बाद सर्विस कराई जाए? वैसे इस पर सर्विस का कोई पैटर्न अभी फिक्स नहीं है, लेकिन फिर भी 3000 के आसपास एक बार हमको गाड़ी को नॉर्मली चेक करवा लेना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे जितने भी एक्सपीरियंस सेंटर है वहाँ पे एक सर्विस टेक्नीशियन होता है। आपकी सिटी के अंदर एक्सपीरियंस सेंटर है तो आप वहाँ चल जाओ, जो भी नियरेस्ट सर्विस सेंटर है या फिर एक्सपीरियंस सेंटर है वहीं पर सर्विस सेंटर भी है। अभी तक 200 से ज़्यादा एक्सपीरियंस सेंटर बन चुके हैं, आने वाले टाइम में 500 प्लस, जैसा कि अभी रिसेंटली इवेंट में बताया था कि मार्च तक 500 प्लस हो जाएंगे। तो जो 200 प्लस आपके नियरेस्ट है ना, वहाँ पे जाके एक बार चेक करवाओ। ये दोनों साइड होता है? दोनों साइड, दोनों लीवर के अलग अलग। अच्छा, दोनों लीवर के अलग अलग है। और कुछ यहाँ पे सर्विस के अंदर, जैसे अगर मान लो सर्विस, वैसे ईवी व्हीकल की सर्विस कुछ होती नहीं, लेकिन ऑलमोस्ट अगर अपन कंसीडर करें तो इसके वियर एंड टीयर पार्ट्स को हम चेक कर सकते हैं, कि जैसे ब्रेक पैड्स हैं, ठीक है, अपने टायरों का वियर एंड टीयर कहीं एक साइड से ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है, और जैसे अपने बॉडी पैनल्स कोई लूज वगैरह हो गया हो। अच्छा, वो चीज़ चेक करते हो, वो चीज़। और अगर ये, जैसे ये सॉफ्टवेयर बेस्ड है पूरी जी, तो अगर कोई 3000 किलोमीटर बाद या जितने भी किलोमीटर बाद लाता है, तो आप इसको पूरा वापस क्लीन करते हो या नॉर्मली? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, एक बार पूरा इसको क्लीन, अगर कस्टमर कहता है कि यार भैया मैं कभी कभी इस चीज़ को ही फेस आउट कर रहा हूँ, इसको ही फेस आउट कर रहा हूँ, जो सॉफ्टवेयर बेस्ड होती है, सॉफ्टवेयर बेस्ड, राइट राइट, तो मैं उसको फिर अपना ओला डायग्नोसिस ऐप से उसका एक बार करके दिखाओगे ओला डायग्नोसिस? बिल्कुल, एक बार अपन ये स्क्रीन फिट कर ले। हाँ हाँ। उसके बाद में फिर चलो ठीक है, ये एक बार ही हो जाए, उसके बाद अपन ओला डायग्नोसिस ऐप जो है उससे पूरी गाड़ी को क्लीन करवा देंगे। अगर अपनी गाड़ी में भी कोई बग्स होगा या फिर कुछ ग्लिचेज होंगे तो वो भी क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस देखो, ये गाड़ी हमारी जो है ना पैक हो चुकी है, जो इनको मैंने ऑयल चेक करने के लिए बोला था वो ऑयल चेक हो चुका है। अभी एक क्वेश्चन है ना, जो सबसे ज़्यादा सबके माइंड में आता है कि सिंगल सस्पेंशन प्रॉब्लम देता है, या फिर आपने सुना होगा सिंगल सस्पेंशन अगर आप गाड़ी चला रहे हो तो कई बार खड्डे में या फिर कोई स्पीड ब्रेकर आ गया, दो जने बैठे हैं, तो कट की आवाज़ आती है। तो भैया वो कट की आवाज़ जो है वो क्या है? कट की आवाज़ है जो ये जो अपने लिंकेज के बोल्ट्स होते हैं, जैसे
2000-2500 किलोमीटर गाड़ी चल जाती है, उसके बाद ये बोल्ट्स का सूख जाते हैं, 6 बोल्ट्स, 3 इधर 3 इधर। अगर ये बोल्ट सूख जाते हैं और सूख जाते हैं जब गाड़ी जैसे धचके में जाती है एकदम से कट की साउंड बनाएगा। इसके अंदर भी सूखे हुए हैं क्या अभी? ये अपन को खोल के चेक करना पड़ेगा। तो चेक करो ना, खोल के। बिल्कुल चेक, ये खोल के चेक करेंगे एक बार। पहले मैं आपको एक जो इनका सॉफ्टवेयर होता है ना जिससे ये डायग्नोज करते हैं ताकि कोई प्रॉब्लम ना हो, हालांकि उसका वीडियो आपने ब्लू वाली ओला में देखा होगा जिसमें प्रॉब्लम आई थी, तो वो तो वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक छोटा सा डिस्प्ले कर देता हूँ, एक बार इधर आके दिखा दो इनको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये इनके पास एक कोड आता है, इससे इसको डायग्नोज कर लेते हैं। तो ये देख सकते हो आप यहाँ सेटिंग्स पे जाके, अभी आपको दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे इनके सामने ना सर्च का ऑप्शन भी आ रहा है, ये OCM पे जाके यहाँ पे स्टोरेज है उस पर आके क्लियर कैश करते हैं और क्लियर स्टोरेज कर देते हैं। जैसे अपन मोबाइल्स के अंदर कोई सी भी एप्लीकेशन का करते हैं या मोबाइल का ही क्लियर डाटा करते हैं ना, वैसे ही CCM एप्लीकेशन होती है इनकी या CCM सॉफ्टवेयर है, उसको इनको यहाँ पे क्लियर करना होता है। तो ये सारी ही एप्लीकेशंस का स्टोरेज क्लियर कर रहे हैं और ओला की इनकी डायग्नोसिस ऐप से इसको क्लियर कर रहे हैं, मतलब कोई भी अगर ब्लग या बग या ग्लिचेस होंगे तो वो यहाँ पे क्लियर हो जाएंगे, पूरा सॉफ्टवेयर जो है वो पूरा रीस्टार्ट हो जाएगा। तो देखो सस्पेंशन प्रॉब्लम आ रही थी ना, इन्होंने भैया ने बताया था कि यहाँ पे एक बोल्ट होता है, इसको खोल के देखना पड़ता है। तो अभी ये खोल के दिखा रहा है, देखो गाइस ये जो बोल्ट होते हैं ना ये ओपन होते हैं और यहाँ पे इसके अंदर ग्रीस या फिर ऑयलिंग अगर लीकेज हो जाता है या फिर ऑयलिंग कम पड़ जाता है तो यहाँ पे ऑयल डाला जाता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कट कट आवाज़ आ रही है, 2500 किलोमीटर आप चला चुके हो, तो एक बार आके यहाँ पे चेक करवा लो किसी भी एक्सपीरियंस सेंटर पे, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, इसका कोई चार्ज नहीं होता, तो वो आके यहाँ पे आप करवा लिया करो तो आपकी जो कट कट की आवाज़ है वो सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस ये था पूरा ओवरव्यू हमारे सर्विस का कि इसमें सर्विस किस तरीके से कराई जाती है। यहाँ पे वॉशिंग का काम नहीं होता क्या? अभी स्टार्ट में हुआ है, मतलब वॉशिंग होती है ना बाकी नॉर्मली होगी, लेकिन अभी सेटअप बाकी है उसका। अच्छा, वॉशिंग का सेटअप बाकी है, लेकिन वॉशिंग का सेटअप भी होगा। तो सर्विस में यही होगा कि आप जब भी आओगे ना आपको वॉश करके एक बार एकदम गाड़ी को चमका के दे दिया जाएगा। तो ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं, आपको सब कुछ चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी है कि सर्विस सेंटर आपको कब आना चाहिए, कितनी किलोमीटर पे आपको सर्विस करवानी चाहिए और कहाँ कहाँ पे जो सर्विस सेंटर है वो तो आप अपनी वेबसाइट ओला इलेक्ट्रिक वेबसाइट पे जाके देख लेना, ओला एक्सप्लेन सेंटर, वहाँ जाके आप सर्विस करवा सकते हो। तो आई होप आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो के अंदर अब्दुल भाई ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है पूरे ही सर्विस के बारे में। तो ये वीडियो अपन यही एंड करते हैं, आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना, चैनल पर पहली बार आया तो सब्सक्राइब करके बैक एंड जरूर दबाना। बाय गाइस।